हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन कुमार। और देखो, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी मस्ट हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द यूजेस एंड द एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन आवर डेली लाइफ्स। ठीक है, उसको डिस्कस करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, पहले उसको समझो कि कोई भी आपका फोटो सेंसिटिव मटीरियल होता है, उस पर जैसे ही आप कोई फोटोन या कोई भी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो उस दौरान वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता है, एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अभी देखो, मैं यहाँ पर एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब लेता हूँ। वैक्यूम का मतलब समझते हो ना। तो यहाँ पर मैंने एक यूज़ किया फिल्टर, और इस फिल्टर का कंसेप्ट ये है कि जो आपका सोर्स ऑफ लाइट है उसकी जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है वो इस फिल्टर से क्या करेगी, एंटर करेगी किसमें, ट्यूब में। एंड आफ्टर दैट वो जो आपकी फोटोन है, वो आपकी जो लाइट है, वो आपके कैथोड से स्ट्राइक करेगी। और जैसे ही आपकी जो इंसिडेंट लाइट है, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बात फ्रीक्वेंसी प्लस इंटेंसिटी की करूँगा। और अगर बात इंटेंसिटी की करता हूँ तो मान लो, सपोज करो ये मैंने 100 वाट की फ्रीक्वेंसी दी है, सॉरी इंटेंसिटी दी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कि अगर इस लाइट का कलर ब्लू है तो ब्लू ही है, ये येलो या वाइट नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। तो जैसे मैंने मान लो सपोज करो इसको 100 वाट की इंटेंसिटी दी है, तो इसका मतलब यहाँ पर 100 फोटोन्स ने एंटर किया है कैथोड पे। 100 फोटोन्स के आने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कैथोड से इजेक्ट होंगे, बट कंडीशन है उसके लिए एक। देखो, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए, इमिट कराने के लिए, यहाँ से निकालने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। समझ रहे हो आप, अगर हम पर्टिकुलर एनर्जी इसको देंगे, किसको, कैथोड को, उसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो पाएंगे, निकल पाएंगे। और उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन, एंड दैट इज डिनोटेड बाय फाई नोट, उसको फाई नोट से करते हैं। अब बात ये आती है कि अगर सर यहाँ पर हम जो आपने बोला है कि फाई नोट इज द वर्क फंक्शन, और वी कैन से दैट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी मेटल सरफेस, उसको हमने वर्क फंक्शन बोला है। तो बात ये आती है कि सर अगर हम फाई नोट से, वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, क्या उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सपोज करो स्टार्टिंग के अंदर हमने उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, जिसको मैंने बोला है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बोलते हो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक पर्टिकुलर वो अमाउंट था जिस पर आपके कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स ने इजेक्ट करना स्टार्ट किया है। बट मैंने यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई कर दी है पर्टिकुलर मेटल को, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, इसको रिक्वायर्ड तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, मैंने दे कितना दिया है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किसमें से, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, वो तो यूज होगा जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, और जो बाकी का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो यूज होगा काइनेटिक एनर्जी में। किसकी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में यूज होने वाला है वो। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं देखो आपको बताता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो भी कहाँ से आया है। यहाँ पर अगर मैं बात इस मेटल सरफेस या कैथोड की करता हूँ, तो देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, बीच में भी इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट में भी इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन फ्रंट फेस पे हैं, आगे की साइड है, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बैक इलेक्ट्रॉन्स, जो बिहाइंड जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो बैक वाले पोर्शन पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट कंडीशन में थे, वो जब एक्सेलरेट होंगे यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी उनकी कम रहेगी एज कम्पेयर टू दीज सरफेस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा बात सोचो, यहाँ पे कैथोड लिया मैंने, यहाँ पर एनोड लिया है, नीचे मैंने आपका माइक्रो एमीटर लगाया है, जो आपका एम्पियर जो करंट के अमाउंट आएगा जो माइक्रो लेवल पे भी आता है उसको मेजर कर लेगा आपका, जो आपका माइक्रो एमीटर यूज किया हमने यहाँ पर। इसके बाद आप देखिए, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में अभी बैटरी के जो टर्मिनल है, जो वोल्टेज की सप्लाई अभी नहीं ली है, उसके पीछे एक रीजन है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी जस्ट हमने स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट इसको कनेक्ट किया है और सर्किट को कंप्लीट किया है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आपका। इसके बाद आप देखिए, ये कोई आपका सोर्स ऑफ लाइट है,
यहाँ से इंसिडेंट लाइट जिसकी इंटेंसिटी 100 वॉट है वो फिल्टर के थ्रू आपके कैथोड पे आएगी, और जैसे ही कैथोड से स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर आपका जो वर्क फंक्शन 5 नोट जो मैंने बोला था, इतना अमाउंट की एनर्जी आते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए ये जो आपका एनोड पार्ट है, एनोड पार्ट की साइड जाएंगे, मूव ऑन करेंगे। बट यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर कर लो आप, जितने इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर मैंने 100 वॉट इंटेंसिटी दी थी लाइट की, तो यहाँ पर 100 फोटोन्स, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर एनर्जी दी है उसको हम फोटोन में कंसिडर करेंगे, पैकेट्स ऑफ लाइट में। तो यहाँ पर 100 पैकेट्स ऑफ लाइट आए, उन्होंने यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, इजेक्ट करवा दिया है, बट टोटल 100 इलेक्ट्रॉन्स एनोड्स तक नहीं पहुँच पाते हैं, ओनली 50-60% इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके एनोड तक पहुँच पाएंगे, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर लेंगे, उनके कोलिजन होगा, जिसके कारण वो रास्ते में बीच में ही रह जाएंगे कहीं ना कहीं पे। अब एक बात आप यहाँ पे देखिए, क्लियर कीजिए, यहाँ पर जो बार बार मैं बात एनर्जी की कर रहा हूँ, तो उस एनर्जी का पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, एच न्यू, क्या रहेगा, एच न्यू, और इस एनर्जी को हम बोलेंगे द एनर्जी ऑफ फोटोन्स, जो 100 वॉट की जो आपकी यहाँ पर इंसिडेंट लाइट है जिसकी इंटेंसिटी का हमने डिस्कस किया था उसको हमने फोटोन की टर्म में लिया था, और द पर्टिकुलर एनर्जी ऑफ फोटोन्स का जो फॉर्मूला होगा दैट इज एच न्यू रहेगा वो यहाँ पर, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। अब जो न्यू की अगर मैं बात करता हूँ, इसको बोलता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, एक वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एट विच द इलेक्ट्रॉन जस्ट स्टार्ट टू इजेक्ट, एक वो फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर वैल्यू जिस पर आपके इलेक्ट्रॉन्स ने जस्ट क्या किया है, इजेक्ट करना स्टार्ट किया है, कहाँ से, मैटर सरफेस पर, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो रहा है? और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी है। अब यहाँ पर एक बात देखिए, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करता हूँ तो जो आपका एनर्जी ऑफ फोटोन है दैट विल आल्सो डिक्रीज, और अगर आपका एनर्जी ऑफ फोटोन डिक्रीज होगा तो उस केस में आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटोन को डिक्रीज कर रहा हूँ तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होंगे, नहीं होंगे। अगर आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है या आपका वर्क फंक्शन है, इसकी वैल्यू आपकी डाउन चली जाएगी एक रिक्वायर्ड मीन वैल्यू से, उस केस के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। इट मीन्स क्या हुआ कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस एंड दैट नेम्ड वाज वर्क फंक्शन, उसको हमने वर्क फंक्शन का नाम दिया था, वही आपका एनर्जी ऑफ फोटोन की टर्म में आ रहा है। तो इट मीन्स क्या होगा कि जो आपका ये देखो दिस इक्वेशन एंड इक्वेशन नंबर दिस दोनों बराबर हैं, सेम डेफिनेशन है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है दैट इज वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू एच, फ्रीक्वेंसी आपकी है ये वाली न्यू नोट के टर्म में हमने ले लिया है, तो आपका जो वर्क फंक्शन है वो किसके बराबर आ गया है, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 टर्म कर देता हूँ, तो वर्क फंक्शन के लिए जो आपकी इक्वेशन आई है दैट इज एच न्यू नोट की टर्म में आई है। यहाँ तक क्लियर है आपका? अब अगर बोलता है, और कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब यहाँ पे एक बात देखिए, जैसे ही आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैंने यहाँ पर क्या रखी थी, 100 वोट रखी थी, अब अगर मैं यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी को 200 वोट कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, ओके, जैसे 200 वोट करूँगा तो नंबर ऑफ फोटोन्स विल आल्सो इंक्रीज। भाई पहले तो आपके 100 फोटोन्स आ रहे थे मेटल सरफेस पर, अब 200 फोटोन्स आ गए, 200 फोटोन्स विल बी रेस्पॉन्सिबल टू इजेक्ट आउट 200 इलेक्ट्रॉन आल्सो। अगर 200 फोटोन्स आपके आए हैं तो यहाँ से 200 इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होंगे, और यहाँ से अगर 200 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो जो अमाउंट ऑफ द करंट है दैट विल आल्सो इंक्रीज। भाई ऑब्वियस सी बात, इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही तो करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, मैंने यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ाई है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़े तो करंट बढ़ गया। इसी तरह अगर मैं 200 की जगह पर यहाँ पर 300 भी ले लेता हूँ तो और आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो ग्राफ बनने वाला है बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स आपका इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये टर्म को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पर मैंने बैटरी टर्मिनल या आप कह सकते हैं वोल्टेज सप्लाई अभी नहीं लिया है, अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया है, जस्ट अभी हमने डिस्कस सिर्फ एक चीज़ की है और वो ये है
कि आपका जो पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैथोड पर क्या हो रही थी, फोल्ड डाउन कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स के पास पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी थी, और जो पर्टिकुलर जो आपकी फोटोन के फॉर्म में हमने एनर्जी को लिया था उसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू रखा था, और उसको हमने किसके बराबर रख दिया था, वर्क फंक्शन के बराबर रख दिया था। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बैटरी सोर्स को कनेक्ट करूँगा और उसका जो पॉजिटिव एंड है वो मैं करने वाला हूँ एनोड की साइड। इट मीन्स ये पॉजिटिव हो गया, इसको मिटा देता हूँ, मैं यहाँ से रब करता हूँ एक बार, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव एंड है। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बैटरी सप्लाई ले ली है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हेलो एवरीवन, देखो अभी प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसी को मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। और देखो आप यहाँ पे, अभी लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट लिया था, वो फिल्टर के थ्रू उसकी लाइट आपके कैथोड पे स्ट्राइक कर रही थी, कैथोड से आपके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे, वहाँ पर हमने वर्क फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, वर्क फंक्शन के बाद हमने उसकी जो फोटॉन्स की एनर्जी थी उसको E इज इक्वल टू एच न्यू की फॉर्म में लिखा था, और उसको हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी एक नाम दिया था, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने क्या किया था कि जो मिनिमम अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में जो बात आई थी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वर्क फंक्शन दोनों को हमने इक्वलिटी के पोर्शन में रखा था, और उसके बाद जो हमारी इक्वेशन ड्राइव हुई थी दैट इज फाई नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट। ठीक है यहाँ तक? आफ्टर दैट हमने क्या किया था, एक ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में एक बात क्लियर कर लो, यहाँ पर मैं कंटिन्यू इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज करूँगा टू ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज करता हूँ तो नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर यहाँ चेंज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबरिंग है वो भी इंक्रीज होगी। ओके, और इंक्रीज होने के बाद आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में, अभी मैंने बैटरी टर्मिनल को आपको अभी तो दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ कनेक्ट कर रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप वोल्टेज कह सकते हैं। अभी मान लो मैं, सपोज करो कि मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कनेक्ट नहीं की है, मैं अभी वो केस डिस्कस कर रहा हूँ, उस ड्यूरेशन जो आपका ग्राफ बनने वाला है बिटवीन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो आपका क्या बनने वाला है वो देखो आप। देखो यहाँ पर मैं बात बताता हूँ आपको बात, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैंने 100 वोल्ट ली पहले, तो फिर मैंने 200 वाट ली, फिर मैंने 300 वाट ली। आप सबको पता है कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे वो भी इंक्रीज होंगे, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग बढ़ते ही करंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो चुके हैं तो स्ट्रेंथ या कह सकते हैं अमाउंट ऑफ करंट, जिसको आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट को नाम सजेस्ट किया था हमने, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है कि जस्ट यहाँ पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है जैसे ही आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर कर लो, और ये इक्वेशन आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आगे न्यूमेरिकल्स में यूज भी होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, सेकंड पार्ट ये है आपका, सॉरी रुकने को सर, आपका यहाँ पर, हाँ तो अभी हमें ना क्या करेंगे, अब जस्ट हम कनेक्ट करने वाले हैं किसको, एक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर जो आपकी वैक्यूम ट्यूब है इसके साथ में, देखिए क्या होता है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो मैंने जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वेरिएबल बैटरी को कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव एनोड के साथ में, और नेगेटिव टर्मिनल अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ तक क्लियर है? अब आप एक बात देखिए, यहाँ पर अगर मान लो हम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल एट एनोड, एनोड पर पॉजिटिव टर्मिनल के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होगा मोर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाएगा क्या, एनोड। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स को मोर स्ट्रॉन्गली एनोड पार्ट अट्रैक्ट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नहीं समझा मेरी बात को? मैं देखो बताता हूँ, यहाँ पर एनोड पर हमने पॉजिटिव अमाउंट को इंक्रीज कर दिया है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव अमाउंट होता है, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होते ही अभी तक कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जो फ्रंट पार्ट इलेक्ट्रॉन थे वो तो रैपिडली आपके एनोड तक पहुंच पा रहे थे, बट जो पीछे के इलेक्ट्रॉन थे कैथोड के पीछे वाले जो एंड पर जो लाई कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, वो आपस में कोलिजन के कारण बीच में ही रह गए थे, वो एनोड तक जा ही नहीं पा रहे थे। तो जैसे हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज
पुट किया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो ऑन द वे थे वो भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आपके एनोड पर आ चुके हैं, और जैसे एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग इंक्रीज होगी, जैसे ही नंबरिंग इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या इंक्रीज हो जाएगा, करंट, करंट इंक्रीज होगा। बट अब पॉइंट ये आता है कि मान लो हम पॉजिटिव जो है आपका एनोड इसको बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, कितना बढ़ाएं कि लगातार आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता चला जाए। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, उस पर्टिकुलर वैल्यू तक आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज होगा, आफ्टर दैट इट विल गेट सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन का मतलब कॉन्स्टेंट हो जाएगा। जैसे कि ये देखो, अब आपका इधर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, इधर आपका एनोड है, एनोड पर मैंने पॉजिटिव लिया, पहले पॉजिटिव को इंक्रीज करता जा रहा हूँ। तो एक बात और सुनो मेरी बात, यहाँ से मेरे ध्यान आया, अभी इस ग्राफ के अंदर मैंने एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो स्टार्टिंग है, मैंने एक पर्टिकुलर यहाँ से ना स्टार्ट करके इससे स्टार्ट की है, एक अबव पार्ट से। इस पर भी एक क्वेश्चन होता है कि यहाँ से क्यों स्टार्ट किया। देखो यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया है बच्चे कि जब तक हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का सप्लाई नहीं दिया था, उससे पहले भी तो इसमें करंट था। कैसे? इस पार्ट को भूल जाओ, अभी पहले आपका फिल्टर से फोटोन एंटर हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक नहीं पहुंच पा रहे थे, बस कुछ तो पहुंच पा रहे थे, जो कुछ अमाउंट इलेक्ट्रॉन्स का जो एनोड पर्टिकुलर एनोड पॉइंट तक आ रहा था ना, उसके कारण जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट था उसकी वैल्यू है ये। ओके, अब यहाँ पर हमने एनोड पर पॉजिटिव, इस पॉइंट के बाद हमने क्या किया, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया है। अब क्या होगा, अब जैसे जैसे यहाँ पर पॉजिटिव इंक्रीज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा, बट आफ्टर ए पर्टिकुलर वैल्यू। यहाँ इसका पीक आ गया, देखो ये लो, इसका पीक है, इस पीक के बाद ये एकदम क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन देगा जिसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड करंट। क्लियर कर लेना, एक डेफिनेशन है आपके पास यहाँ पर सैचुरेटेड करंट की, एक पर्टिकुलर अमाउंट जिसके बाद आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज होना स्टॉप कर देता है, दैट इज सैचुरेटेड करंट। क्लियर यहाँ तक? दूसरी बात आओ, अब जस्ट कुछ मत करो, मैं इस टर्मिनल को चेंज कर रहा हूँ, और इस टर्मिनल में क्या कर रहा हूँ, जहाँ पॉजिटिव था वहाँ मैं लेके आ रहा हूँ नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये आपका हो चुका है नेगेटिव और ये आपका हो चुका है पॉजिटिव। सपोज करो ये मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, इसी वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखो एनोड को आप क्या करते जाओ, नेगेटिव करते जाओ, नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस होने वाला है। अब एनोड नेगेटिव हो चुका है, इलेक्ट्रॉन्स आल्सो हैव नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव ऑन करना चाहेंगे, आपका एनोड इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने पास आने तक क्या करेगा, स्टॉप करेगा, रोकेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास आने से। उसके लिए मान लो मैंने नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज कर दिया और इंक्रीज कर दिया नेगेटिव चार्ज, लास्ट टाइम तक एक पर्टिकुलर इतनी वैल्यू आएगी एनोड पर नेगेटिव चार्ज की कि जो इसका सबसे फास्ट, जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की थी, ये उसको भी अपने पास आने से रोक लेगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड के टच में जा ही नहीं पाएंगे, और अगर मान लो वो नहीं जा पाते हैं एनोड के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा। नहीं समझा मेरी बात? पहले एनोड को पॉजिटिव लिया, अब नेगेटिव ले लिया है, नेगेटिव लेने के बाद क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, देयर इज रिपल्सन बिटवीन बोथ टर्म्स, यहाँ और यहाँ रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने पास आने नहीं देगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जा ही नहीं पाएंगे तो करंट भी नहीं होगा। तो फिर बात यह आती है सर ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ मैं बताता हूँ कैसा बनेगा, ये देखो। और हाँ, ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या कह सकते हैं कि पोटेंशियल आफ्टर विच नो एनी इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हो दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन्स कांट बी रीच एट द पॉइंट ऑफ एनोड, एनोड पॉइंट तक पहुंच ही ना पाए किसी भी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नोट। क्वेश्चन यहां पर भी एक जनरेट हो चुका है स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर, तो समझ गए स्टॉपिंग पोटेंशियल को। अभी इतना ही समझो कि एक पर्टिकुलर वो अमाउंट जिसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो आपके एनोड तक रीच कर ही नहीं पाए, वहाँ से वापस हो जाए, इतना हमने उसको पोटेंशियल दे दिया, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब बात यह आती है सर करंट तो यहाँ पे है ही नहीं,
करंट होगा भी नहीं। तो इसका ग्राफ देखो, ये आपका ग्राफ नेगेटिव आ जाएगा ऐसे, और ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर आपका ग्राफ बन चुका है किसके बीच में, एनोड पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। एनोड का पोटेंशियल एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, पॉजिटिव लिया था, एक बार नेगेटिव लिया था। जब पॉजिटिव लिया था तो सैचुरेशन करंट आया था, जब नेगेटिव लिया है तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ चुका है। बड़ा इजी कंसेप्ट है यहाँ पर। इसके बाद एक बात और देखो, यहाँ पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो बिल्कुल इस बात को अच्छे से समझें, जैसे जैसे यहाँ पर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, तो यहाँ दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट, यहाँ पर अगर आप वोल्टेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे, अगर आप वोल्टेज दे रहे हैं तो यहाँ पर एनोड पर आप पॉजिटिव पॉइंट दे रहे हैं या नेगेटिव पॉइंट दे रहे हैं, दोनों के अंदर अलग अलग आपकी टर्मिनोलॉजी आएगी। एक में आपको पता है सैचुरेशन करंट आएगा, करंट का अमाउंट बढ़ता 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 जाएगा, दूसरे के अंदर आपका करंट जीरो हो जाएगा, और जिस केस में जीरो हो जाएगा दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल।